जिला सरसा के मिनी सकत्तरेत सामने फसलों के मुआवजे की मंग नूं लै के अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर थले मुजाहरेकारियां किसानों ने अज हरियाणा सूबे के बिजली ते जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के घर का घेराव किया। अपनी मंगा नूं लै के संबंधित मंत्री दे पीए जगसीर सिंह बड़ागुड़ा नूं ज्ञापन सौंपिया। इस तों पहला मिनी सकत्तरेत धरना ते जिला भर के किसान इकट्ठे होए, जिथे किसानों नूं समर्थन देने लई सोशल एक्टिविस्ट हर्ष छिकारा भी पहुंचे। इस तों बाद किसान सकत्तरेत रोस मार्च करते हुए बिजली ते जेल मंत्री रणजीत सिंह दे घर का घेराव करन पहुंचे। इस दौरान मंत्री दे घर च SDM जयवीर यादव, DSP आर एन चौधरी दे नाल वड्डी गिणती विच पुलिस बल तैनात सी। इस मौके अखिल भारतीय स्वामीनाथ आयोग संघर्ष समिति के कौमी प्रधान विकल पचार ने कहा कि सूबे च किसानां ते लाठीचार्ज होया है, इस दे लई सूबे दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानां तों माफ़ी मंगण ते खराब हुई फसलां दा किसानां नूं मुआवजा दिता जावे। उन्हां कहा कि हरियाणा विच 12,000 किसानां ने अपने खेतां च ट्यूबवैल लगवाउण लई 4-4 लाख रुपए जमा करवाए नूं 8 महीने हो चुके ने, लेकिन अजे तक उन्हां दे ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं लगे। इस लई जल्द किसानां नूं ट्यूबवैल कनैक्शन भी दिते जाण ते 3 अध्यादेशां नूं सरकार वापस लवे। विकल पचार ने सरकार नूं चेतावनी दिंदे होए कहा कि 29 सितंबर तक किसानां दी मंगां नहीं मनियां गईआं तां आउण वाली 30 सितंबर नूं किसान जिले भर च बने 145 जल घरां दी टैंकियां ते उपर चढ़ जाणगे। इस दौरान अगर किसी किसान दा कोई जान माल दा नुकसान हुंदा है तां जिम्मेदारी खट्टर ते दुष्यंत सरकार दी होएगी। देखिए, प्रदर्शन तो हमारा 11 दिनों से चल रहा है। हमारी वही 4 मांगे हैं कि लाठीचार्ज जो है वो हरियाणा में हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। किसने कराया किसने नहीं कराया वो बात अलग होती है, लेकिन हरियाणा के किसानों के ऊपर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ है तो उसके लिए मुख्यमंत्री अपनी गुफा से बाहर निकले और हरियाणा के किसानों से क्षमा याचना करें। पहली तो हमारी मांग ये है, तब तक सरकार ने बातचीत की, हमें न्यूनतम भी दिए, लेकिन वो सभी न्यूनतम हमने तब तक ठुकराए हैं जब तक मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगे। नंबर 2, हरियाणा के किसानों को कभी मुकदमों के नाम पर कभी पराली के नाम पर तंग किया जाता है, लेकिन आज जब हरियाणा के किसान का सब कुछ उजड़ गया, सारी फसलें खत्म हो गई, एक मंत्री का बयान नहीं, एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं, तो इस करके हमारी दूसरी मांग है खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया। तीसरी हमारी मांग है, क्योंकि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, कि ट्यूबवेल कनेक्शन 12,000 ट्यूबवेल कनेक्शनों के हरियाणा में पैसे जमा कराए हुए, आज उनको 8 महीने हो गए, 4-4 लाख रुपए जमा कराए हुए, किसान ने ब्याज पर लिए हुए वो पैसे थे, तो वो जो है तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन किए जाए और तीनों कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि वो वापिस। आगे काम का सीजन है किसान, लेकिन खेत में फसल नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी किसान आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में इस बार जोश में है, तो अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को यहाँ की MP सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव किया जाएगा, 29 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम, 30 तारीख को सिरसा क्रांति भूमि के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, 30 तारीख को 145 जलघर हैं गांवों में जहां पर पानी की टंकियां हैं। 2018 का आंदोलन आपको याद होगा, जब मैं अपने 4 किसान साथियों सहित पानी की टंकी पर चढ़ा था, तो इस बार 145 पानी की टंकियों पर 30 तारीख को हरियाणा के और सरसा के किसान चढ़े होंगे। किसी भी किसान को कोई जान माल का नुकसान हुआ उसकी जिम्मेवारी खट्टर और दुष्यंत सरकार। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।